ये लोकसभा की सीट हारने की खीस तो कहीं नहीं है कि इस तरीके के ऐलान किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कांवड़ यात्रियों के रूट में चल रहे दुकान वालों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने साफ साफ उन दुकानदारों को कह दिया है कि बड़े बड़े नेम प्लेट उन दुकानों में लगाए जाएं और नाम पूरे लिखे जाएं। अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में अब इस चीज को लेकर राजनीति होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव से लेकर मायावती और AIM के ओवैसी लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो अब बिहार में भी इसकी राजनीति दिख रही है। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दूसरे नंबर की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और उनसे सवाल किया है। सवाल उनसे यह किया है कि उत्तर प्रदेश में हारी हुई बीजेपी की ये खीज है कि इस तरीके के ऐलान वो कर रही है। क्या रोहिणी आचार्य सबसे पहले ट्वीट कर रही हैं? हम आपको अपने स्क्रीन पे उनके ट्वीट को दिखा रहे हैं। आप सबसे पहले रोहिणी आचार्य के उस ट्वीट को देखिए। रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट हारने की खीज और अपनी खिसकती जमीन की हताश में नफरती विखंडकारियों की जमानत यानी की जमात भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुसलमान भाइयों को इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक बायकॉट के घृणित उद्देश्यों से कावड़ पथ कर नाम जो है वो तख्ती लगाकर सामान बेचने का फरमान जारी कर दिया है। पावन श्रावण यानी कि सावन मास में भगवान शिव की पूजा के लिए जाने जाने वाला पवित्र धार्मिक यात्रा को भी अपने गंध और राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से सांप्रदायिक रंग में रंगना चाह रही है ये उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार। धर्म की गलत व्याख्या के साथ समाज और देश में धार्मिक नफरत उन्माद का जहर घोलना चाह रही है ये भाजपा की सरकार और इसकी फितरत और राजनीति ही रही है। हद तो तब हो गई है जब अयोध्या की हार के पश्चात इन लोगों ने अयोध्या के हिंदुओं तक को बायकॉट यानी कि बहिष्कार के लिए मुहिम छोड़ दी है। इन लोगों की विकृत मानसिकता को अच्छी तरह से देखें और समझ चुके हैं कि देश को और गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ना बांटना ही इनकी हर कोशिश पर अब नाकाम होती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बताते चलें कि कांवड़ यात्रा के रूट में दुकानदारों के नेम प्लेट लगाने का आदेश मुसलमानों के खिलाफ एक अभियान के तौर पे देखा जा रहा है। इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है और अब ये राजनीति काफी ज्यादा तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। बस ये उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही है, उत्तर प्रदेश से बिहार तक आई है, बिहार से अब ये बंगाल झारखंड हर जगह इस पे राजनीति जो है वो होती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो ये फरमान जारी किया है कांवड़ यात्रियों के रूट के दुकानदारों के लिए, इसको लेकर अब उसकी तरफ से क्या कुछ और फैसला सामने आता है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।